मोस्ट कॉमन कॉन्टिनेंटल डिश जो भारतीय घरों में बनाई जाती है, बेक्ड वेजिटेबल्स इन व्हाइट सॉस। लेकिन यहाँ व्हाइट सॉस बनाने के लिए मैंने मैदा बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, मैंने इसे काफ़ी हेल्दी रखने की कोशिश की है। चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। मैं नूतन दत्त, वेलकम बैक टू अ वंडरफुल कुकिंग चैनल, डिलीशियस खाना झटपट बनाना, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम मैदा यूज़ नहीं करेंगे, उसकी जगह हम यूज़ कर रहे हैं ओट्स। ओट्स को हम एक मिक्सी के जार में डालकर पीस लेते हैं और इसका एकदम फाइन पाउडर बना लेते हैं। देखिए बिल्कुल इस तरीके से, ये नॉर्मल रोल्ड ओट्स ही हैं। और अब इस ओट्स से हम बनाएंगे वाइट सॉस। तो हम एक पैन ले रहे हैं, इसमें बटर डाल रहे हैं। अगर आप डाइट रेसिपी नहीं बनाना चाहते हैं तो आप 2 टेबलस्पून बटर डालिए, लेकिन अगर आप डाइट रेसिपी बनाना चाहते हैं तो आप बहुत कम, आधा चम्मच या 1 चम्मच बटर डालिए। और इसमें हम पिसे हुए रोल्ड ओट्स को डाल देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे हम धीरे धीरे भूनेंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट तक भूनेंगे। थोड़ी खुशबू भी आने लग जाएगी। और इसके बाद इसमें हम 2 कप लो फैट मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसे हम घुमाते रहेंगे ताकि गुठलियाँ ना पड़े, हमें वाइट सॉस में गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा मिल्क डाल रहे हैं और इसको चलाते जा रहे हैं। अब इसे मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए हमें एक सॉस जैसा बनाना है, हमें इसकी कंसिस्टेंसी जैसे सॉस की होती ना थिक कंसिस्टेंसी वैसा तक लाना है। और मीडियम फ्लेम पर 2-3 मिनट में ही ये गाढ़ा होने लग जाता है। और इसे अब हमें हर्ब सॉस बनाना है, तो हम इस पर बारीक कटी हुई फ्रेश धनिया की पत्ती डाल रहे हैं, करीब 1/4 कप। और धनिया की पत्ती डालकर भी इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। और अब ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है तो हम फ्लेम को कर देते हैं बंद और थोड़े से जो 2 मसाले हमें डालने हैं वो डाल देते हैं। एक है काली मिर्च का पाउडर, ये एकदम फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर है। और थोड़ा सा हम डाल रहे हैं नमक। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है जायफल। जायफल हम थोड़ा सा फ्रेश घिस के इसमें डालेंगे, जायफल इसमें बहुत अच्छी खुशबू देता है। तो बस इसे अब अच्छे से एक बार मिलाकर हम किनारे रख देते हैं। हमारा वाइट सॉस पूरी तरह से रेडी हो गया। वैसे वाइट सॉस में काफ़ी सारी चीज़ डाली जाती है, लेकिन मैं यहाँ चीज़ बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रही हूँ। वैसे आप चाहें तो प्रोसेस्ड चीज़ आप ग्रेट करके जितनी चाहें उतनी यहाँ पे मिला सकते हैं, 3-4 चम्मच तक भी आप मिला सकते हैं। अब हम एक पैन में अपनी पसंद की सारी वेजिटेबल्स को सौते करेंगे। पैन में मैंने 1 चम्मच डाला है ऑलिव ऑयल, इसमें अब मैं डालनी है थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ लहसुन और थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ अदरक। और इसे हम करीब 30 सेकेंड तक थोड़ा सा भूनेंगे। उसके बाद इसमें हम थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में कटा हुआ एक प्याज है, इसे ऐड कर देते हैं। अगर आप प्याज पसंद नहीं करते हो या ना खाना चाहते हो तो आप छोड़ सकते हैं। और प्याज को इस अदरक लहसुन के साथ हम 30 सेकंड तक और भूनेंगे। और उसके बाद हम जो सारे वेजिटेबल्स हमने कट करके रखे हैं उसे हम एक एक करके ऐड कर दे रहे हैं। पहले मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी ब्रोकोली, थोड़े से फ्रेंच बीन्स, थोड़ी सी गाजर, शिमला मिर्च, ये थोड़ा सा बॉइल्ड कॉर्न है और फ्रेश मटर। इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा स्टर फ्राई करेंगे। सौते करने से ना वेजिटेबल का जो एक्सेस पानी निकलता है वो ख़त्म हो जाता है। और इस रेसिपी में वेजिटेबल्स क्रंची ही अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर उससे पानी निकलता रहे तो वाइट सॉस जो है ना वो पतला हो जाएगा। तो इसलिए हमें वेजिटेबल्स को पहले थोड़ा सा इस तरीके से सौते कर लेना है ताकि उसका पानी सूख जाए। उसके बाद इसमें हम वाइट सॉस ऐड करके फिर हम इसे ओवन में बेक करेंगे। और इन सब्जियों में भी हम डाल रहे हैं थोड़ी सी काली मिर्च फ्रेश कुटी हुई, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा जायफल घिस कर। तो सब्जियों को हम करीब 7-8 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे सौते करेंगे। इसमें आप इन सब्जियों के छोड़ कोई भी आपके पास लेफ्ट ओवर वेजिटेबल हो तो वो आप ऐड कर सकते हैं। इसमें आप जुकिनी, किसी भी तरह का बीन्स, फूल गोभी, पम्पकिन या स्क्वाश, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, बेबी कॉर्न या किसी भी तरह का कलर्ड बेल पेपर और मशरूम, ये सब चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हमारा सॉटिंग कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम वाइट सॉस को ऐड कर देते हैं और वाइट सॉस डालकर भी हम इसे एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। और बस हमारी वेजिटेबल्स हो गई रेडी। अब एक ओवन प्रूफ डिश में हम इसको थोड़ा अंदर से अच्छे से ग्रीसिंग कर लेंगे, थोड़ा ऑयल अप्लाई कर देंगे और उसके बाद ये रेडी वेजिटेबल्स को उसके ऊपर डाल देते हैं। और वेजिटेबल डालने के बाद उसके ऊपर एक अच्छी क्रस्ट हमें बनानी है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स डालेंगे, पतली सी लेयर डालेंगे ब्रेड क्रम्स की। और उसके ऊपर अब मैं मोज़रेला चीज़ ग्रेट करके डाल रही हूँ। आप चाहें तो प्रोसेस चीज़ भी डाल सकते हैं, आप चीज़ ना डालना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, चीज़ ज़्यादा डालना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और नॉर्मली इसके ऊपर हम 1/2 कप करीब चीज़ ग्रेट करके डालेंगे। चीज़ के ऊपर थोड़ा सा लुक एनहांस करने के लिए मैं
रेड चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ और चीज़ का टेस्ट एनहांस करने के लिए थोड़ा सा काली मिर्च इसके ऊपर से मैं स्प्रिंकल कर दे रही हूँ। तो बस अब हमारी तैयारी हो गई पूरी। अब इन वेजिटेबल्स को हम ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। हमें इसे तब तक बेक करना है जब तक ये ऊपर का जो चीज़ है ना ये पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाए। ये मोज़रेला चीज़ है तो ये बहुत ईजिली मेल्ट हो जाएगा। तो हमारे बहुत ही बढ़िया बेक्ड वेजिटेबल्स हो गए तैयार। मैं थोड़ा सा ये आपको एक चम्मच में उठाकर दिखा रही हूँ। इन एक्सट्रीमली डिलीशियस बेक्ड वेजिटेबल्स को आप गार्लिक ब्रेड या फोकाचिया ब्रेड के साथ बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। और ज़्यादा नहीं, आपसे है बस थोड़ी सी गुजारिश, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब विथ बेल नोटिफिकेशन ऑन। और टेस्ट करके भी बता रही हूँ। दिस इज़ एक्सट्रीमली डिलीशियस, बहुत ही अच्छा है खाने में। और आप इस तरह का कुछ और हेल्दी रेसिपी देखना चाहें तो उसका लिंक यहाँ दिया हुआ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चीज़ की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए।